उत्तर प्रदेश में 11 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की विधान परिषद सीटों के लिए 1 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे सामने आएंगे। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। सपा और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।